आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। सुप्रिया मिंज मामले में सवाल है जिसका जवाब चाहिए। सुप्रिया 22 अक्टूबर की शाम 6 बजे बरियातू नया टोली स्थित रमेश किराना दुकान के पास से गायब हो गई। घर वालों ने रात 10 बजे बरियातू थाने में लिखित शिकायत की। 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक सुप्रिया की लाश मिलने तक एक बार भी केस का आईओ सुप्रिया मिंज की मां सुनीता मिंज के दरवाजे तक नहीं गया। बस्ती वालों से भी खोज खबर नहीं ली, जबकि थाने से सुनीता मिंज के घर की दूरी 200 मीटर भी नहीं है। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 18 साल से कम किसी बच्चे बच्ची की गुमशुदगी या उनके लापता होने की सूचना थाने को मिलती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को हर हाल में FIR दर्ज करनी है, जांच करनी है। सुप्रिया मिंज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, जबकि पुलिस अधिकारी अनुराग गुप्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की प्रति पुलिस आदेश संख्या 57/2013 सभी थानों में भेज दी गई थी। इस गाइडलाइन को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी सीनियर अधिकारियों के ऊपर होती है। सुप्रिया मिंज के मामले में अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो सीनियर अधिकारियों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सीनियर अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? शुक्रवार को ही एक अधिकारी का बयान आया था कि बच्ची की मौत पानी में डूबने से हुई है। ऐसा बयान देने के पहले क्या उस अधिकारी ने घटना स्थल का मुआयना किया था? क्या परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की तरफ उसकी नज़र नहीं गई थी? जब तक अधिकारी घटना स्थल पर नहीं जाएंगे उन्हें ये पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ बच्ची तो क्या कोई जानवर भी नहीं जा सकता। जगह बिल्कुल सुनसान है और सुप्रिया के घर से 1 किलोमीटर से अधिक दूर है। वहाँ ना तो कोई बस्ती है और ना कोई रास्ता। फिर घटना स्थल पर गए बिना कैसे उन्होंने कह दिया कि डूबने से मौत हो गई? क्या ये संभव नहीं है कि बच्ची को डुबोकर मार दिया गया हो? फिर जांच के बगैर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों? सुप्रिया के माँ बाप गरीब हैं। बच्ची का शव जब नाले से निकाला गया तो पोस्टमार्टम के बाद जब घर वालों को उसकी लाश दे दी गई तो इस तरफ पुलिस प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं गया कि रेजा कूली का काम करने वाले गरीब माता पिता उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? पुलिस ने दाह संस्कार के लिए प्रशासन से उसकी आर्थिक मदद क्यों नहीं करवाई? मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है कि वरीय अधिकारी भी थाने में जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे। क्या वरीय अधिकारी मुख्यमंत्री के इस आदेश का अनुपालन कर रहे हैं? जब पुलिस को सफलता मिलती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन पुलिस फेल हो जाती है तो इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज के खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।